केरल में कुछ समय तक सुस्त रहने के बाद मॉनसून फिर से सक्रिय है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से केरल के इदुक्की, पलक्कड़ और वायनाड में बड़ी तबाही। भारी बारिश की वजह से केरल के कलपेट्टा में एक बिल्डिंग गिर गई। केरल में राहत और बचाव के लिए अलग अलग राज्यों से एनडीआरएफ की 28 टीमों को भेजा गया है। केरल में कई जगह बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी लगाया गया। अब तक करीब 800 परिवारों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल में कबीनी बांध का जलस्तर 46,000 क्यूसेक बढ़ा। बांध से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कबीनी डैम में 2,281.5 फीट पानी जमा है, जबकि डैम की अधिकतम सीमा 2,284 फीट है। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट में भरा पानी, कई विमानों की आवाजाही प्रभावित, यात्रियों को भी आने जाने में हो रही परेशानी। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। उत्तर कर्नाटक से अब तक 9 लोगों के मरने की खबर। सबसे ज्यादा 5 मौतें बेलागावी में हुई। कर्नाटक में अब तक करीब 42,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी। केरल में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील। पीएम मोदी को भी राहुल ने अवगत कराया। वायनाड में आए बाढ़ को लेकर राहुल ने कहा, मैं वहां जाने की बना रहा था प्लानिंग, लेकिन कलेक्टर ने राहत और बचाव कार्य का हवाला देते हुए मुझे वहां जाने से फिलहाल रोका। मध्य प्रदेश के मंडला में बाढ़ में फंसे 3 युवकों को सुरक्षित बचाया गया। जान बचाने के लिए तीनों कार की छत पर चढ़ गए। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद तीनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी में नौका संचालन पर लगाई गई रोक। सभी तरह की नाव और मोटरबोट के संचालन पर रोक। वाराणसी के घाट स्थित शिव मंदिर पानी में डूबा। मंदिर के अंदर पानी लबालब, शिवलिंग भी पानी में नहाता नजर आया। महाराष्ट्र के सांगली में बचाव कार्य में जुटी नाव पलटी। हादसे में 11 की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। एमपी के मंदसौर में बारिश और बाढ़ में एक ट्रैक्टर बह गया। इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठे 3 लोग भी बह गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर बहता ही चला गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से 4 परियोजना से बिजली उत्पादन ठप। नेशनल हाईवे बंद। सतलुज तट में लोगों को न जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख के निर्माण का वादा किया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को 2 दशकों तक केवल आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दिया। 370 हटने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे, विकास होगा, राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित हो जाएगी, तो ये फिर केंद्र शासित नहीं रहेगा। केवल कुछ कालखंड के लिए इसे केंद्र शासित बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा, जो सपना सरदार पटेल का था, डॉक्टर अंबेडकर का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने कहा, कभी अनुच्छेद 370 के नुकसान की चर्चा ही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कुछ बातें वक्त के साथ इतनी घुल मिल जाती हैं कि उनका मन में स्थायी भाव बन जाता है। धारा 370 को लेकर भी यही हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि देश की भलाई के कामों से कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को अलग रखा गया। देश की भलाई के लिए जो काम सरकार करती थी, उससे कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग दशकों तक वंचित रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में परिवारवाद पर भी हमला बोला। कहा, दशकों के परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को लीडरशिप का मौका ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा, अब मेरे युवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी होगी। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी करने से किया इनकार। इस मसले पर बिना कुछ कहे निकल गए राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने पीएम के भाषण को राज्य के युवाओं को नई दिशा देने वाला बताया। कहा, आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पीएम मोदी के भाषण का स्वागत किया। कहा, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां से आतंकवाद को सफाया करने का एक शानदार मौका होगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर होगी चर्चा। पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाएगी भारतीय फिल्में। पाकिस्तान के सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा हमला किया। कहा, पाक जैसा पड़ोसी भगवान किसी को ना दे, ऐसे पड़ोसी किसी विदेश को ना मिले। कश्मीर में हालात हो रहे हैं सामान्य। घाटी में आम लोगों के लिए बनाए गए 400 टेलीफोन बूथ। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त। जगह जगह पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जम्मू जोन के आईजी मुकेश सिंह ने किश्तवाड़ और डोडा जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जिले में धारा 144 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। कश्मीर में सेना के जवान लोगों को दे रहे हैं खाना और इमरजेंसी सेवाएं। हज यात्रियों के लिए 18 अगस्त से दिए जाएंगे स्पेशल पास। जम्मू कश्मीर से 70 कैदियों को आगरा जेल किया गया शिफ्ट। इनमें अलगाववादियों के साथ कई खूंखार आतंकी भी शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाले समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने का ऐलान। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद का बयान। करतारपुर कॉरिडोर परियोजना पर पाकिस्तान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, वो अपनी इस योजना को जारी रखेगा। गुजरात के एक बिल्डर भावेश सुतरिया ने पीएम मोदी को ईमेल करके जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इच्छा जताई। बिल्डर ने बाकायदा पीएम मोदी को एक प्रपोजल ड्राफ्ट करके भेजा है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। अगले 3 साल में इसको लागू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज। 1-2 दिन में हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सीनियर नेताओं से की चर्चा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अस्थियां हापुड़ में की गई विसर्जित। बेटी बांसुरी स्वराज ने किया अस्थियों को विसर्जित। गुजरात के कच्छ में मौजूद मोरबी के स्कूल के 700 बच्चियों ने पीएम मोदी को भेजी राखी। ये राखी पीएम मोदी को आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के लिए रक्षा सूत्र के तौर पर भेजी है। दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पर जानलेवा हमला। 2 आरोपी गिरफ्तार। पहले ड्राइवर की पिटाई की और फिर अनिल चौधरी पर रॉड और लात घूसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। असम के तेजपुर में हादसे का शिकार हुआ लड़ाकू विमान सुखोई 30, दोनों पायलट सुरक्षित। रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था सुखोई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए गए आदेश। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के प्रेम मंदिर को उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद खुफिया एजेंसी और पुलिस जांच में जुटी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर पुलिस की गुंडई। बिना किसी जुर्म के पुलिस एक बीजेपी नेता को उसके घर से पीटते हुए थाने ले गई और फिर उसे थाने में भी पीटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। अयोध्या पर हफ्ते में 5 दिन होगी सुनवाई। सुनवाई के तीसरे दिन रामलला विराजमान ने अपनी दलीलें पेश की। निर्मोही अखाड़े को रामविलास वेदांती ने लगाई फटकार। कहा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाथों बिक गया है निर्मोही अखाड़ा। जैसे 370 हटाया वैसे ही राम मंदिर निर्माण करेगी मोदी सरकार। IRCTC जल्द ही ई रेल टिकट बुकिंग महंगी करने जा रहा है। ई टिकट बुकिंग करने पर 20 रुपये से 40 रुपये का सर्विस चार्ज लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर। बिजली के बाद दिल्ली सरकार ने फ्री वाईफाई का तोहफा दिया। केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर कहा, 3 से 4 महीने में दिल्ली वालों को ये सुविधा मिलने लगेगी। मुंबई में मध्य प्रदेश के नए आशियाने का सीएम कमलनाथ ने किया लोकार्पण। नवी मुंबई के वाशी में है मध्य लोक। निवेश के लिए सीएम ने की मिलिंद देवड़ा से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले खुली भ्रष्टाचार की पोल। ओवरब्रिज पर कई जगहों पर धंसी सड़क। 6 से ज्यादा हादसों में हो चुकी है 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान बूचड़खानों और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग। रक्षा अभियान संगठन ने सरकार से की मांग। नॉर्थ बंगाल के पार्क में जंगली जानवरों को बचाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदम। बढ़ती गर्मी से परेशान जानवरों को देखते हुए लगाए गए कूलर।
झारखंड के लोहरदगा में एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जलाने के मामले में आया बड़ा फैसला, 22 लोगों को आजीवन कारावास की सजा। झारखंड के रांची में जमीन के लिए खूनी खेल, बीच बचाव में आई छात्रा की महिला ने की पिटाई, लोग बने रहे तमाशबीन, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी का कारण अब तक सामने नहीं।